नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक एजुकेशनल, मोटिवेशनल, साथ ही साथ टेक्निकल वीडियो पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम देखते हैं उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल स्कूलों के ऑनलाइन फॉर्म फिल करना, ये किस प्रकार से हम इसका इस फॉर्म को फिल करें। पिछले सेशनों तक मॉडल स्कूल और उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवेश डायरेक्टली हो रहे थे, लेकिन इस सेशन से मध्य प्रदेश सरकार ने जो है कि इनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है। यानी आपको मॉडल स्कूल और उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवेश चाहिए तो उसके लिए आपको फॉर्म ऑनलाइन फिल करना होगा, जिसका ₹100 चार्जेस है। ये फॉर्म आप चाहें तो स्वयं घर बैठे ही फिल कर सकते हैं या फिर किसी नज़दीकी कियोस्क पर जा सकते हैं। यदि आप स्वयं फिल करना चाहते हैं इस फॉर्म को, तो हम आज इस फॉर्म का प्रत्येक स्टेप आपको बताएंगे, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप जो इसकी इस फॉर्म को खुद ही फिल कर सकते हैं और जो है कि खुद पेमेंट भी कर सकते हैं और इसके लिए यानी उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। तो इसके लिए हमारा ये वीडियो अंतिम स्टेप तक देखते रहें। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से आप खुद ही इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको MP ऑनलाइन ओपन करना है, MP ऑनलाइन का पोर्टल ओपन करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर mponline.gov.in टाइप किया हुआ है, या mpsos.mponline.gov.in भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा ये यहाँ पर दे रखा है। चलिए हम MP ऑनलाइन के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। इसके बाद आपको नागरिक सेवाओं के अंतर्गत आवेदन को क्लिक करना है। यहाँ पर आपको MP ऑनलाइन की सर्विसेज के अंतर्गत सभी सर्विसेस आ रही हैं और इसके अंतर्गत ओपन स्कूल की सर्विसेस को सिलेक्ट करना है। हम ओपन स्कूल की सर्विसेज जा रहे हैं, ये ओपन स्कूल इसके फॉर्म को कंडक्ट करवा रहा है, तो ओपन स्कूल को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, जिससे ही mpsos.mponline.gov.in ओपन हो चुका है। यहाँ पर दे रखा है उत्कृष्ट विद्यालय विकासखंड स्तरीय मॉडल स्कूलों में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु संयुक्त चयन परीक्षा 2018। दूसरा, यहाँ पर आवेदन पत्र का भुगतान करें और डुप्लीकेट रिसिप्ट, ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहले हमें फॉर्म को फिल करना है, तो इसके लिए हम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं। यहाँ पर मैंडेटरी ऑप्शन है आधार कार्ड, जिसे आपको यहाँ पर फिल करना है। तो जो भी आपका आधार नंबर रहेगा उसे आपको यहाँ पर फिल करना है और जो है कि OTP जनरेट करवाना होगा। OTP जो है कि आपके मोबाइल नंबर पर आएगा और आधार में मोबाइल नंबर अपडेट होना भी आवश्यक है। तो हम इसको फिल करके आगे बढ़ते हैं। इसी में OTP का ऑप्शन है, हम इसको भी देख लेते हैं। देखिए, जैसे ही आप आधार डालेंगे इसके बाद ये OTP का ऑप्शन यहाँ पर नीचे दे रखा है, थोड़ा सा स्क्रीन कट रहा है इसमें, हम देखते हैं। ये जैसे ही आधार नंबर डालेंगे और जनरेट करेंगे OTP, तो यहाँ पर OTP आपको फिल करना होगा। चलिए हम आगे देखते हैं इसको फिल करके। जैसे ही आप OTP सबमिट करके जैसे जनरेट होते हैं और इसे सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ से आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ बाय डिफ़ॉल्ट इस फॉर्म में आ जाएगा। अब आपको आगे का जो है वो डिटेल यहाँ पर फिल करना रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करना है, किस कैटेगरी में आते हैं, छात्र है, छात्रा है, यानी पुरुष और महिला यहाँ पर सिलेक्ट करना है। क्या आप मध्य प्रदेश मूल निवासी हैं, यदि हैं तो यस करना है। जन्म स्थान मध्य प्रदेश और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। छात्र छात्रा यदि विकलांग है तो विकलांगता का प्रकार आपको सिलेक्ट करना, नहीं है तो इसको नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अगली स्टेप में जो है कि परीक्षा का नाम 8वीं और नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या स्कूल, जो भी आपका स्कूल इंस्टीट्यूट है वो आपको सेलेक्ट करना है, वो किस स्टेट में है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है।
और उसका जिला कौन सा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अपेयरिंग ईयर तो अभी का ही यहाँ पर आएगा। परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है आवेदक, किस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहे, उत्कृष्ट विद्यालय के, मॉडल या दोनों के लिए। तो यदि दोनों के लिए लेना चाहते हैं तो दोनों के लिए आप ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पर किस जिले में आप लेना चाहते हैं, प्रवेश हेतु संस्था आपको सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आपको पहले जिला सिलेक्ट करना होगा और उस जिले को जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ का उत्कृष्ट विद्यालय आ जाएगा। इसके बाद मॉडल है, मॉडल स्कूल कहाँ का लेना है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हम शाजापुर ही ले लेते हैं। इसके बाद आपको स्कूल सेलेक्ट करने के बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है और इसमें दो फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है और फोटो के लिए निर्देश है, पर्टिकुलरली फोटो बैकग्राउंड वाइट वाला होना चाहिए, इसमें नाम और फोटो लेने की दिनांक भी लिखा होना चाहिए और 4x5 यानी 4 सेंटीमीटर, 4x5 का फोटो होना चाहिए, ये सेंटीमीटर में है, ये भी विशेष ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो है कि लास्ट ऑप्शन आता है आपका सबमिट का, बस ये सब कुछ करके चेक लगाना है आपको। मैं इत्र द्वारा घोषणा करता हूँ, करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रविष्ट जानकारी पूर्णतः सही है और इसको आगे बढ़ाई को आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसे सबमिट करते हैं आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, उसे आपको नोट कर लेना। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आप उसे नोट कर ले। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट के दो ऑप्शन हैं, या तो आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से स्वयं कर सकते हैं, या फिर आप ये नंबर ले जाने के बाद यानी आप खुद फिल करने के बाद आप चाहे तो एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर जा कर के भी इसे सबमिट करवा सकते हैं और इसका पेमेंट करवा सकते हैं, साथ ही साथ इसकी प्रिंट भी ले सकते हैं। साथियों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि सुजालपुर या इससे आसपास के यूज़र्स हैं जिनको, सॉरी एग्जामिनर हैं, स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये फॉर्म फिल करना है तो वो हमारे एमपी ऑनलाइन कियोस्क संस्थान शुभम ऑनलाइन एंड शुभम एकेडमी पर भी संपर्क कर सकते हैं। निर्धारित शुल्क पर ये फॉर्म आपके फिल किए जाएंगे। धन्यवाद।